सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्ट्रेस दिव्या भटनागर के सडन डिमाइज से जहां उनके फैमिली मेंबर्स फैंस और टीवी इंडस्ट्री को लगा है झटका, वहीं दिव्या की खास दोस्त देवलीना भट्टाचार्य इस सदमे से उबर नहीं पा रही हैं। देवलीना अंदर ही अंदर अपने दोस्त दिव्या के लिए बहुत ही टूट चुकी हैं और इसीलिए अब देवलीना ने अपने सोशल हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपने दोस्त दिव्या के बारे में उनके जिंदगी से जुड़े हुए कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और दिव्या के पति पर लगाए हैं बड़े आरोप, जिससे बढ़ सकती है दिव्या के पति की मुसीबत। जी हाँ, सही सुना आपने, देवलीना ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट किया है अपना एक वीडियो जिसमें देवो पहले तो अपनी दोस्त को याद करते हुए रोती नजर आ रही हैं और फिर रोते हुए देवो बताती हैं कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी क्लोज दोस्त दिव्या मुझे छोड़कर चली गई है। उसने अभी तो ये डिसाइड किया था कि वह जिंदगी में अपनी मर्जी से जिएगी बिना किसी के जाल में फंसे। मुझे लगता है कि भगवान भी नहीं चाहते थे कि वो और दर्द सहे। बीते 10 सालों में उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि लोगों ने उसका ही इस्तेमाल किया। टीवी स्टार देवलीना भट्टाचार्य ने बताया कि वो ये वीडियो क्यों बना रही हैं। देवो ने बताया कि आज ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, स्पेशली उस इंसान के लिए जिसकी वजह से दिव्या ने इतना सहा। मुझे पता है आज दिव्या जो हमारे बीच नहीं है उसकी वजह सिर्फ कोविड नहीं बल्कि वो दर्द है जो उसने इतने समय से सहा। कोई भी इंसान जब टूटा हुआ होता है तो वह छोटी से छोटी बीमारी से मर जाता है, तो यह तो फिर भी कोविड था। मैं गगन गबरू यानी जो दिव्या के पति हैं उनसे यह पूछना चाहूंगी कि उस दिन तूने क्या पोस्ट किया था कि दिव्या की माँ और भाई तुम दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ थे और नहीं चाहते थे कि दोनों शादी करें, वह तेरे नाम से पब्लिसिटी ले रहे थे। इस वीडियो में देवलीना का गुस्सा गगन पर फूटता नजर आ रहा है। देवलीना ने गगन पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है, इंडस्ट्री में यदि तुम्हें कुछ लोग जानते हैं तो वो भी दिव्या की वजह से। तेरे खिलाफ सिर्फ दिव्या का परिवार नहीं बल्कि मैं भी थी क्योंकि हम तेरे बारे में जानते थे, लेकिन दिव्या तेरे प्यार में पागल थी, उसने हमारी नहीं सुनी और इसी वजह से मेरी और उसकी बात भी बंद हो गई थी। देवलीना ने गगन पर आरोप लगाते हुए कहा कि तुमने दिव्या का उत्पीड़न किया है और उसके साथ मारपीट भी की थी। देवलीना ने कहा कि गगन पहले भी छेड़छाड़ के मामले में 6 महीने का जेल काट चुका है और फिलहाल जमानत पर है। इस वीडियो में देवलीना ने बताया कि गगन ने दिव्या के साथ करवा चौथ के मौके पर भी मारपीट की थी और उसके गहने भी चुरा ले गया। इस वीडियो में देवलीना ने गगन को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं तेरा काला चिट्ठा खोल के रहूंगी, अभी ये शुरुआत है, तुझे मैं एक्सपोज करूंगी। तू दिव्या को मारता था, तेरी वजह से वो बीमार रहने लगी थी। दिव्या ने गगन के खिलाफ ओशीवरा पुलिस स्टेशन में NC कराई है और करवा चौथ के दिन क्योंकि तूने उसे मारा और उसकी ज्वेलरी चुरा कर ले गया, मैं तेरे खिलाफ सारे प्रूफ लेकर आऊंगी। देवलीना ने इस वीडियो में कहा कि गगन अब तू अपनी जिंदगी जेल में गुजारेगा। दिव्या तो अब अच्छी जगह चली गई है, वह भगवान की बच्ची थी और भगवान के पास चली गई है, लेकिन तू जेल जाएगा। वेल, देवलीना ने अपने दोस्त दिव्या को इंसाफ दिलाने के लिए उठाया है यह बड़ा कदम और अब देखना दिलचस्प होगा कि दिव्या के पति का क्या होता है रिएक्शन देवलीना के इस बड़े आरोप के बाद।